ओके सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सबको पता है कि इस वक्त हम मेटा मॉडल्स को हम देख रहे हैं कि मेटा मॉडल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो क्यों ना अब हम थोड़ा सा टाइम सीरीज का टास्क लेके आए कि टाइम सीरीज का टास्क देखें कि वो उसमें मेटा मॉडल्स का क्या काम है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मेटा मॉडल का डेटा किस तरह जनरेट किया, ठीक है? वो पहले आपको समझना जरूरी है, ठीक है? मैंने sklego.dataset से सिंपल सीरीज को इम्पोर्ट कर लिया। अच्छा, ये डमी रिग्रेसर, ये भी हम देखेंगे, ये सब चीजें। ग्रुप प्रिडिक्टर तो आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है? डीके एस्टिमेटर, ये भी हम देखेंगे, लेकिन पहले चूंकि हम सिंपल सीरीज यूज कर रहे हैं तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा वाई टी इज इक्वल टू मेक सिंपल सीरीज, और फिर उसमें लिखा सीट इज इक्वल टू 1, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंडमली डेटा जनरेट हो रहा होता है, ठीक है, इस मेक सिंपल सीरीज में टाइम सीरीज वाला डेटा, ठीक है? लेकिन सीड इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो उससे क्या होता है उसमें, देखें। अब अगर मैं सी देखें, बेसिकली ये होता है रैंडमली जनरेट करता है। अगर आप सीड 1 लिखते हैं तो उसके एक स्पेसिफिकली रैंडमली जनरेटेड सैंपल्स आते हैं, ठीक है? अगर मैं सीड 2 लिखूंगा तो उसके अलग आएंगे, सीड 3 लिखूंगा इसके अलग। अब इसका फायदा क्या है, अब मैंने यहाँ पर सीड 1 लिखा है ना, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास दोबारा सीड 1 आ गया, तो इसका फायदा क्या हुआ, ये एक जैसी वही, ये नहीं है कि कोई यहाँ पे जो रैंडमली जनरेट होंगे और सीड 1 में जो दोबारा रैंडमली जनरेट होंगे वो डिफरेंट होंगे, नहीं, वो सेम ही होंगे। इस वजह से इस सीड को कमांड को यूज किया जाता है ताकि आप दोबारा उसी रैंडमली जनरेटेड नंबर्स को जो पहले जनरेट हुए थे दोबारा उन्हीं नंबर्स को, एग्जैक्टली सेम नंबर्स को यूज कर सके, ठीक है? तो वाई टी में तो मैंने ये दे दिया, ठीक है? फिर अब हम चले आगे चलते हैं। अब हम इस तरह करते हैं, डेट्स का नाम का एक वेरिएबल दिया, इसमें मैंने पीडी डॉट डेट रेंज दिया, ठीक है, और ये चल रहा है सन 2001 जनवरी से, ठीक है? और मैंने कहा इसके पीरियड्स क्या हो, इसका लाइक साइज इसकी कितना तक जाए, ये जहां तक लेंथ ऑफ वाई टी, यानी जितनी इसकी लेंथ है ये उतना जाए, ठीक है? मतलब अगर इसकी लेंथ, सपोज वाई टी की लेंथ 10 है तो ये 10 तक जाएगा, ठीक है, अगर जितनी भी है। अब हम इस तरह करते हैं, इसकी लेंथ चेक करते हैं। मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ वाई टी, ठीक हो गया, ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पे आ गया 1825। तो अब मेरे पास सन 2000 सन 2001 जनवरी से हमारे पास 1825 डेज तक आप काउंट करते जाए, आपके पास कितने साल बनेंगे, बहुत सारे साल बनेंगे। तो ये हमारे पास, मैंने कहा है कि स्टार्ट करो 2001 जनवरी से, और जितनी इसकी लेंथ है तुम उतने दिन ऐड करते जाओ, तो ये भी उतने दिन ऐड हो जाएंगे, ठीक है? अब मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम बनाना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। डेटा फ्रेम में मैं कहता हूँ पीटी डॉट डेटा फ्रेम, उसका पहले कॉलम में वाई टी डाल दिया, दूसरे में डेट्स डाल दिया, ठीक है? ये तो बिल्कुल क्लियर है डे लाइट की तरह। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इसका DFB प्रिंट कर देता हूँ ताकि मजीद बात क्लियर हो जाए। अब आप देख सकते हैं मैंने DF लिखा है, तो यहाँ पर आप देखें, ये तो खैर इंडेक्स आ रहा होता है हर वक्त ताकि पता चले कि किस इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, और यहाँ पे डेट का कॉलम और YT का कॉलम, ठीक है? और ये देखें, जीरो मैंने लेंथ चेक की थी तो 1825 आई थी, इसकी कितनी आई है 1824, ठीक है? जीरो से चूंकि स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम जाते हैं तीसरे डॉट असाइन, भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो लैम्डा फंक्शन का भी, कि डी कॉलन डी डॉट डेट टाइम डी डॉट, ये सारे प्री डिफाइंड है, डी डॉट डेट डॉट डी टी डॉट मंथ, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मंथ असाइन कर रहा हूँ इसे, तो अब यहाँ पे देखें हो क्या रहा है। देखें मेरे पास ये मंथ असाइन हो गए हैं, ये 1111, ये चूंकि प्री डिफाइंड फंक्शन है तो ये खुद ब खुद बता देगा कि जो डी डॉट डेट है, यानी कि जो हमारे पास डेटा फ्रेम है उसका जो डेट कॉलम है उससे तुम क्या करो। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास लेमडा में जो जो हमारे पास डेटा फ्रेम है उसमें डेट में जाओ और डी टी डॉट मंथ, मंथ की बेसिस पे करो, तो इसका क्या नतीजा निकले, ये डेटा फ्रेम में आप देख सकते हैं, ये मंथ आप देख रहे हैं साथ साथ मूव कर रहे हैं, ये जो लास्ट कॉलम है ये जिसमें 3 लिखा हुआ था,
देखें इस तरह हमारे पास जा रहा है 3, 4, 12, फिर मतलब ये मंथ्स निकाल रहे हैं, मतलब हर महीने की बेस पे। मैं यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सैंपल दिखाऊं तो ये हमारे पास, हम सपोज करते हैं ये मैं इसको जरा एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास डेज है 10, ये हर दिन बढ़ रहा है। मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखिए मेरे पास ये महीना 31 तारीख तक जा रहा है, ठीक है। फिर मेरे पास 31 डेट तक ये पहला महीना जा, फिर 1 फरवरी स्टार्ट हो गई, ये कहाँ तक जा रहा है, ये मैं कहाँ पे घूम गया हूँ। ये देखें, ये यहाँ तक जा रहा है, तो इसमें डेट्स जा रही हैं। ये इसने क्या किया, खुद से बता दिया कि इसकी ये डेट्स है, ये डेट्स बता रहा है कि इस मंथ में ये डेट है, इस मंथ में ये डेट है, ऑटोमेटिकली इसने कर लिया। फिर आखिर में जो मैंने दिया डॉट रीसेट इंडेक्स, ये जो इंडेक्सेस आ रहे हैं ये इसकी बेस पे, तो हम लोगों को ये पूरा DF आई होप सो समझ आ गया होगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए फिगर बनाओ और PLT प्लॉट करो डेट्स को एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या करो सिंपल सीरीज। अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास डेट्स आ रही है 2000, 2001, वन एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये सिंपल सीरीज उसकी बेस पे, तो देखें यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो हमारे पास एक किस्म का इसमें अगर आप, मैं इसका कलर, हाँ सही है, इसमें देखिए आपके पास एक पैटर्न जा रहा है, एक खास पैटर्न जा रहा है, और ये हर साल तकरीबन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये बढ़ रहा है, ये हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं विद टाइम ये हमारे पास बढ़ रहा है। अब मैं इतना करता हूँ, आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, तो आप लिख सकते हैं कि हमें टाइम सीरीज क्लियर हुई है काफी कमेंट्स में, ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, अब मैं आपको कोड समझाने से पहले आउटपुट समझाऊंगा, फिर हम कोड पे आएंगे ताकि आपको समझ आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि मैं अगर आपको पहले आउटपुट नहीं बताऊंगा और डायरेक्ट ये बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। अब हम आगे जो देखेंगे, पहले हम आउटपुट को समझेंगे फिर हम कोड भेजेंगे, क्यों, उससे आपको समझ आएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, वरना अगर मैं डायरेक्ट कोड समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप देखें आउटपुट मेरा, ये आउटपुट आ रहा है। अब हम इस आउटपुट में पहले हमने ये देखना है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर देखें मैं चाहता हूँ कि देखें अब ये सन 2000 से 2001 तक है ना, ये एक साल है, ठीक है। ये 2001 से 2002 तक ये दूसरा साल है, 2002 से 2003 तक ये तीसरा साल है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं हर महीने की एवरेज चेक करूँ कि हर महीने में ऑन एवरेज कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है। क्योंकि देखें अगर आप इस सीरीज पे गौर करें तो इस इधर ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया, इधर बहुत कम हो गया, फिर इधर ज्यादा हो गया, फिर इधर कम हो गया। तो मैं हर महीने की चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस हिसाब से बढ़ रहा है और किस हिसाब से कम हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर नीचे वाला ग्राफ देखें, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ पे इतराज कर सकते हैं, आप यहाँ पे एतराज कर सकते हैं, भाई तुम तो हमें ये बता रहे हो ऊपर के साल का चेक कर रहे हैं, तो नीचे तो हमारे पास पहले एक्स एक्सिस में क्या आ रहा था, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005, ठीक है। लेकिन नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0, 250, 500, 750,000, ये 70, ये क्या चीज है ये। और जो ईयर है हमें उसका कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको भी समझाता हूँ। ये देखें बेसिकली, चले पहले मैं आपको वो बात बताता हूँ कि हम, मैंने जो आपको बात की कि हर मंथ की एवरेज हम चेक करते हैं। मैं यहाँ पे एक मार्कर आपके सामने खोलता हूँ, ये मेरे पास आप सपोज करें जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है और ये दिसंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला साल इधर खत्म हो गया, फिर दूसरे साल की बारी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 2 साल हो गए। इसी तरह 3 साल, 4 साल और 5 साल तक, अब मुझे सब पे मैं करूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है हर महीने का ऑन एवरेज वो कितना ज्यादा हुआ है और वो कितना कम हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ गई होगी।
अब हम ये मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था। अब हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस पे ये इंडेसेस आए हुए हैं, ठीक है। हमारे पास लेंथ ऑफ वाई टी कितनी थी, 1825, तो देखें 1750 है, तो ये तकरीबन 1825 तक जा रहे हैं, ठीक हो गया। और ये ब्लू जो था ये ओरिजिनल था, और ये जो ऑरेंज है ये प्रिडिक्टेड है, ठीक हो गया। हर महीने की हमने एवरेज, अब हम इसके कोट पे जाते हैं, ठीक हो गया। अब हमने ये समझ लिया कि अब हमारा जो आउटपुट था, हम आउटपुट क्या निकालना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये कोट कैसे हो रही है। मैं नेक्स्ट पार्ट में करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ जाए हर पार्ट का कि किस पार्ट में क्या हो रहा है। तो इसका कोड जो कुछ है वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।